सुनहरे गुल में सदारती इलेक्शन की हलचल, ऑपोजिशन के दोनों सदारती उम्मीदवार लाहौर में सरगरम। सदारती इलेक्शन में सिर्फ एक रोज बाकी, सियासी जोड़तोड़ अरूज पर पहुंच गया। मौलाना फजलुर रहमान की शहबाज शरीफ से अहम मुलाकात, पीपल्स पार्टी की वोट इकट्ठे करने की अपनी कोशिशें, अभी तक ऑपोजिशन जमातें मुतहदा उम्मीदवार लाने में नाकाम। सदारती उम्मीदवार पर नून लीग और हलीफ जमातें डट गईं। शहबाज शरीफ से मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान को कामयाब कराने का अज्म, पीपल्स पार्टी ने अपना वोट खामोश करके पीटीआई को फायदा दिया, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी दस्तबरदारी के लिए पीपी को 11 जमातों को एतमाद में लेना होगा। मौलाना फजलुर रहमान बोले, जिस जमात की हिट लिस्ट पर खुद मैं हूँ, किसी के बारे में ऐसा कैसे कह सकता हूँ। अपोजिशन का एक ही सदारती उम्मीदवार लाने की जिदोजहद जारी है। मौलाना फजलुर रहमान को कामयाब कराने की सर तोड़ कोशिशें करेंगे हमजा शहबाज। इजलास में मौलाना की कामयाबी की दुआ की, हलवा भी इकट्ठे खाया। वोटिंग में पीपल्स पार्टी ने पहले हिस्सा ना लिया, अब इसके लिए लम्हा फिक्रिया है। हमारी अपील है कि पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान का साथ दे। ख्वाजा साद रफी। और खोखर रोड सिद्दीकिया कॉलोनी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, खातून जां बहक। हवाई गोली छत पर खड़ी 22 साला मारिया को लग गई। पुलिस ने 4 घंटे बाद मारिया की लाश तहवील में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। मकतूला मारिया की उम्र 22 साल, शोहर का नाम कामरान है।